स्वागत है आपका रॉयल ग्लैम वर्ल्ड में. मैं हूं दीपिका और आज हम बात करेंगे ऑयली स्किन वालों के लिए विंटर में वो अपनी स्किन की कैसे केयर कर सकते हैं. और जो सब कुछ मैं आपको दिखाऊंगी वो सब पर्सनली मैं खुद यूज़ करती हूं. सो लेट्स बिगिन. फर्स्ट चीज़ जो मैं सबसे पहले सुबह उठते ही करती हूँ, अपना फेस वॉश करती हूँ. लेकिन फेस को वॉश करती हूँ फेस वॉश से नहीं. आई होप यू गेट माई पॉइंट. मैं क्या कहना चाहती हूँ, मतलब कि मैं बिना फेस वॉश के अपने चेहरे को वॉश करती हूँ. होता ये है कि हम सुबह सुबह उठ के फेस वॉश यूज़ करते हैं, फिर नहाने के बाद यूज़ करते हैं. इस तरह से दिन में 2-3 बार अगर जो लोग फेस वॉश यूज़ करते हैं, चाहे उनकी स्किन ऑयली हो, नॉर्मल हो या कैसी भी हो, होता ये है हमारी स्किन का पीएच बैलेंस चला जाता है और स्किन ड्राई हो जाती है. चाहे ऑयली स्किन वालों को भी, हाँ गर्मियों की एक अलग स्टोरी है, भरपूर गर्मियाँ भारत में बहुत पड़ती है, उनकी एक अलग स्टोरी है. उसके लिए आप दिन में 2 बार फेस वॉश यूज़ कर सकते हैं. लेकिन सर्दियों वाले सीज़न में ऑयली स्किन वालों को भी सिर्फ 1 बार ही फेस वॉश यूज़ करना चाहिए, जिससे आपकी स्किन में मॉइस्चर जितना ज़रूरी है वो बना रहे और फेस को नॉर्मल वॉश करें. नॉर्मल वॉश करने के बाद मैं यूज़ करती हूँ ये पतंजलि सौंदर्य वाला जेल. इस जेल्स को यूज़ करने के बाद बहुत अच्छी फ्रेश वाली फीलिंग आती है. और इसके बाद मैं यूज़ करती हूँ, जब बात के टाइम मैं फेस वॉश यूज़ करती हूँ, वो फेस वॉश है ये. ये है आयुर्वेदा का टी ट्री फेस वॉश. कोई ज़रूरी नहीं आप किसी एक ब्रांड के पीछे जाएं, कोई भी हर्बल ब्रांड उठा लें या आपकी पसंद का कोई भी ब्रांड उठा लें, लेकिन होना चाहिए टी ट्री फेस वॉश. टी ट्री आपकी स्किन के ऊपर पिंपल्स को नहीं आने देता, इम्प्योरिटीज़ हटाता है और एक अच्छा वाला ग्लो लेके आता है. ये टी ट्री फेस वॉश मैंने ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिया, सिर्फ इतना सा बचा है और ये मेरा फेवरेट है. और ये सेकेंड पैक भी है, एक मैं ऑलरेडी ख़त्म कर चुकी हूँ. अगर ये नहीं मिलता तो इसके बाद मेरी सेकंड चॉइस होती है डव सोप. डव सोप बहुत अच्छी है स्किन को मॉइस्चर देने के लिए. ये नॉर्मल स्किन वाले और ऑयली स्किन वाले भी इसे, नॉर्मल स्किन वाले ये ड्राई स्किन वाले भी इसे यूज़ कर सकते हैं. और बहुत अच्छी वाली सॉफ्टनेस आती है इसे हम यूज़ करते हैं. उसके बाद फेस वॉश के बाद मैं यूज़ करती हूँ ये हिमालय बेबी क्रीम. ये बहुत माइल्ड है और ये पैराबेन फ्री है, मिनरल ऑयल और सिंथेटिक कलर. पैराबेन, मिनरल ऑयल और सिंथेटिक कलर फ्री है ये, इसे यूज़ करती हूँ. इसके बाद मेरी सेकंड चॉइस है हिमालय की नरिशिंग क्रीम. अब आप बोलेंगे हिमालय 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 वालों ने पैसे दिए होंगे. जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. काश थोड़े बहुत पैसे देते हिमालय वाले, लेकिन अभी उसमें थोड़ा टाइम है और देंगे तो भी मैं कोई भी चीज़ आपको ऐसी नहीं बताऊंगी जिससे मैं पर्सनली यूज़ नहीं करती या मैं ऐसी कोई चीज़ रिकमेंड नहीं करना चाहती आप लोगों को जिसे मैंने कभी टेस्ट ना किया हो या फिर जो मुझे सूट नहीं करती. मैं ज़्यादातर वो चीज़ें यूज़ करती हूँ जो पैराबेन फ्री हो या बहुत सारे केमिकल्स जिनमें होते हैं, केमिकल फ्री चीज़ों पे मैं ज़्यादा ध्यान देती हूँ. और मेरे ज़्यादातर प्रोडक्ट्स, अगर आपने अभी तक के मेरे वीडियोस देखे होंगे, तो ज़्यादातर प्रोडक्ट्स मैं वो ही यूज़ करती हूँ जो पैराबेन और ये सब फ्री हो. कहीं बाहर जाती हूँ तो मैं यूज़ करती हूँ ये कलबा की बीबी क्रीम. और ये बीबी क्रीम बहुत SPF 20 के साथ आती है तो मुझे अलग से सेपरेट सनस्क्रीन की ज़रूरत नहीं पड़ती. उसके बाद हम आते हैं नाइट क्रीम पे. तो नाइट क्रीम मैं अभी फ़िलहाल यूज़ कर रही हूँ ये प्लम की नाइट क्रीम हूँ. ये नाइट क्रीम मुझे यूज़ करते हुए हो गया होगा अराउंड 1 महीना आराम से. और इसे मैंने अभी तक इतना कर दिया है. ये ग्रीसी नहीं है बिल्कुल भी, आपकी स्किन में बहुत अच्छे से डिज़ोल्व हो जाती है. इसके बेनिफिट्स और इसकी कमियां वो सब मैं आपको एक अलग वीडियो में बताऊंगी इसके बारे में. पर हाँ, इतना ज़रूर कहूंगी कि ऑयली स्किन वालों के लिए बहुत अच्छी है, आप इसे यूज़ कर सकते हैं. फिर उसके बाद नाइट क्रीम के बाद आती है मेरी लिप बाम जिंदाबाद, वही वादी वाली. सो ये सब था मेरे पास मेरे स्किन केयर रूटीन के अंदर. आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो. वीडियो अच्छा लगा एक लाइक मार के जाना और सब्सक्राइब करके जाना, ये एकदम फ्री है. और इससे होगा ये कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा मेरे आगे आने वाले वीडियोस का और मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाएगा और अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने का. थैंक यू सो मच.